पिछले 5 साल में बैंक फ्रॉड 5 लाख करोड़ से ज़्यादा ये बड़े लोगों ने कर चुके हैं और ज़्यादा तो लोग विदेश में जाकर सेटल भी हो गए, लेकिन आज तक एक की भी गिरफ्तारी और या देश में लेकर नहीं आए। बड़े नाम हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी और अब जो है ऋषि कमलेश अग्रवाल जो ABG शिपयार्ड कंपनी के कर्ता धरता हैं। ये सवाल वित्त मंत्री और सरकार से भी पूछना था कि आखिर क्या इस देश को केवल उद्योगपति चलाते हैं, क्या इस देश की जो संपत्ति लूट के जा रहे हैं वो किसकी संपत्ति है, क्या इस देश की जनता की नहीं है जो 22,000 करोड़, 25,000 करोड़ और अभी तक जो 5 लाख करोड़ केवल 5 सालों में NPA को आप छोड़ दीजिए, सरकार ने जो राइट अप किया है उसके आंकड़ा अगर मिला लेंगे तो इस देश के बजट के बराबर हो जाएगा। जो अपने घर द्वार चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है इस कोरोना काल में, आपने देखा कि लाखों लोगों का सोना इन्होंने सरकार नीलाम होगी, लेकिन उस पर ना RBI ना वित्त मंत्री ने कुछ कहा कि भाई जब लाखों जो है करोड़ लेकर ये लोग भाग रहे हैं तो लाखों आदमी का सोना नीलाम मत करो, भले उन्हें टाइम दो, वक्त दो, बहुत बुरा समय है, लेकिन इस पर सरकार ने चुप्पी साध ली। एक तरफ आप देखिए कि जो किसान कर्ज लेकर जो है खुदकुशी पर मजबूर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस देश के जो विशेष वर्ग है उद्योगपति हैं वो हजारों करोड़ लेकर इस देश से भाग जाते हैं सरकार के सहयोग से और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है, मैं शशि भूषण। इस देश में आम आदमी और जो उद्योगपति हैं उनके लिए अलग अलग कानून है। संविधान में कहने के लिए तो हक बराबर सभी का है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तभी तो जब इस देश का आम आदमी बैंकों से लोन लेता है और उसे चुकता नहीं करता है तो उसकी संपत्ति नीलाम हो जाती है। आप देखते हैं कि इस देश का किसान किस तरीके से जब कर्ज में डूबता है और इन्हीं बैंकों का कर्ज नहीं दे पाता है तो कभी उसके ट्रैक्टर, कभी उसके खेत नीलाम हो जाते हैं और फांसी तक लगा लेता है। दो तरह की खबरें हैं। एक तरफ आप देखिए कि जो किसान कर्ज लेकर जो है खुदकुशी पर मजबूर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस देश के जो विशेष वर्ग है उद्योगपति हैं वो हजारों करोड़ लेकर इस देश से भाग जाते हैं सरकार के सहयोग से और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। बल्कि जिस तरह से वित्त मंत्री ने RBI और बैंकों के साथ बैठक के बाद जो है 23,000 करोड़ का सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ है, उसमें उनका बयान आपने देखा होगा कि भाई बैंकों ने बहुत अच्छा काम किया और इसमें हमारी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि UPA के सरकार के द्वारा ही ये सारा कुछ हुआ था, बस इतना कहकर उन्होंने अपने जिम्मेदारी से पाला झाड़ दिया है। तो वित्त मंत्री जी, यही जब मामला जब आम आदमी का होता है, किसानों का होता है, जब किसानों का कर्ज माफ़ करना होता है, जिस तरीके से आप इस देश के उद्योगपतियों का लाखों करोड़ का लोन जो है राइट अप कर देते हैं, लेकिन किसानों के लिए उतना बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते हैं? क्या इस देश को केवल उद्योगपति चला रहे हैं या देश के जो 90% आम जनता, किसान और मिडिल क्लास है वो चला रहे हैं? ये आखिर कौन चला रहा है, आपको ये बताना होगा। आप देखिए कि जब बजट का सेशन हुआ तो कॉरपोरेट टैक्स में 3% की छूट मिली, लेकिन इस देश के मिडिल क्लास और जो आम आदमी है उसके लिए कोई छूट नहीं। आपको एक आंकड़ा और भी देते हैं, पिछले 5 साल में बैंक फ्रॉड 5 लाख करोड़ से ज़्यादा ये बड़े लोगों ने कर चुके हैं और ज़्यादा तो लोग विदेश में जाकर सेटल भी हो गए, लेकिन आज तक एक की भी गिरफ्तारी और या देश में लेकर नहीं आए। बड़े नाम हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी और अब जो है ऋषि कमलेश अग्रवाल जो ABG शिपयार्ड कंपनी के कर्ता धरता हैं। आखिर 22,000 करोड़ के कोई इतना बड़ा बैंक फ्रॉड कर लेता है और किसी भी सरकार को पता नहीं चलता था, तो आप बताइए कि इसमें सरकार का सहयोग है या नहीं। और एक बात और, अगर ये केवल अगर इस देश को उद्योगपति ही चलाते तो आप सोचिए पिछले 2 साल कोरोना काल में एक तरफ आप देखिए कि इन उद्योगपतियों की जो चंद उद्योगपति हैं नाम है इनकी कमाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है और एक तरफ आम आदमी इतना परेशान रहा है, लेकिन इसके बाद भी क्या इस देश की बेरोज़गारी को ख़त्म किया, बेरोज़गारी बढ़ी है या इस देश की आर्थिक व्यवस्था क्या ठीक हुई है? नहीं हुई, बल्कि अर्थव्यवस्था दिनों पर दिन जो है ख़राब होती जा रही है। अगर ये उद्योगपति ही देश चलाते तब तो ना बेरोज़गारी होनी चाहिए थी ना आर्थिक मंदी, क्योंकि
आप देखिए कि आम आदमी की स्थिति खराब है तो इस देश की अर्थव्यवस्था भी खराब है। तो एक बात मान के चलिए कि इस देश को चलाता है तो मिडिल क्लास और आम आदमी और मजदूर चलाता है। अगर उसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो इस देश की स्थिति अच्छी नहीं होगी। लेकिन सारी दरियादेरी सरकार की हो या बैंकों की, सब उन्हीं के हिस्से में जाता है। बैंक लूट कर भागने की छूट केवल सरकार उन्हीं देती है। आम आदमी की तो 50,000 भी रुपया ले लेकर अगर वो नहीं चुकाती तो उसे घर से नीलाम कर दिया जाता, उसे जेल में ठूस दिया जाता है और मजबूरन कई लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तब सरकार की दलिया दिल्ली क्यों नहीं होती, जब आम आदमी के समय अपनी मुट्ठी क्यों भींच लेती है? ये सवाल वित्त मंत्री और सरकार से भी पूछना था कि आखिर क्या इस देश को केवल उद्यमपति चलाते हैं? क्या इस देश की जो संपत्ति लूट के जा रहे हैं वो किसकी संपत्ति है? क्या इस देश की जनता की नहीं है? जो 22,000 करोड़, 25,000 करोड़ और अभी तक जो 5,00,000 करोड़ केवल 5 सालों में NPA को आप छोड़ दीजिए, सरकार ने जो राइटअप किया है उसके आंकड़ा अगर मिला लेंगे तो इस देश के बजट के बराबर हो जाएगा, कई राज्यों के बजट के बराबर होगा। जितना उन्होंने अभी तक जो है NPA में उन्होंने राइटअप सरकार ने कर दिया और बाकी जो बैंक फ्रॉड हुए हैं आपको उस सभी अगर आंकड़े मिला लें तो देश के जो है कई राज्यों की अगर बजट मिलाएंगे उससे ज़्यादा पैसा हो जाएगा। आखिर ये पैसा कहाँ से आता है? दूसरी तरफ एक और भी आपको हम आंकड़े बताते हैं, ये जो उद्योगपति बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा करते हैं उससे ज़्यादा ये तो बैंकों का और आम आदमी का पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पर कर्ज लेकर और आराम से भाग जाते हैं। तो आप समझिए कि जो कुछ भी करते हैं, जो आप हज़ारों करोड़ के आंकड़ा सुनते हैं, इनका खुद का पैसा नहीं होता बल्कि इस देश का पैसा होता है और इस देश के पैसे को ये लोग इस तरीके से उड़ाते हैं जैसे इनकी अपनी संपत्ति हो। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार और बैंक वो दोषी है क्योंकि योजना सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा इस योजना का क्यों मिलता है, इस देश का आम आदमी को भी इस लूट का फ़ायदा क्यों नहीं दे रहे हैं? ताकि आम आदमी जो लोन देता है, अगर किसान कर्ज नहीं चुकाता तो उसे भी आप राइटअप का फ़ायदा दीजिए, उसे भी जो है माफ़ कर दीजिए, तो आप उसे माफ़ नहीं करते हैं। तो सवाल यही है कि क्या जो सरकार की जो हज़ारों करोड़ लूटेगा वही देश से भागेगा, या जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो अपने घर द्वार चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है इस कोरोना काल में? आपने देखा कि लाखों लोगों का सोना इन्होंने सरकार नीलाम होगी लेकिन उस पर ना RBI ना वित्त मंत्री ने कुछ कहा कि भाई जब लाखों जो है करोड़ लेकर ये लोग भाग रहे हैं तो लाखों आदमी का सोना नीलाम मत करो, भले उन्हें टाइम दो, वक्त दो, बहुत बुरा समय है। लेकिन इस पर सरकार ने चुप्पी साध ली तो कैसे ना माना जाए, जिसकी भी सरकार हो, UPA हो या BJP की सरकार हो, बल्कि दोनों बराबर के हिस्सा है। इन्हें आम आदमी से नहीं बल्कि उद्योगपतियों से मतलब है। अगर होता तो ज़रूर जो है आम आदमी के लिए भी ये ज़रूर उसी तरीके से ये करते हैं जिस तरीके से उद्योगपतियों का साथ दे रहे हैं। अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।